उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल लाया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सही मायने में महिलाओं को उनके अधिकार सुरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा में काफी रोक लगेगी। और उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि जिस तरह तीन तलाक मामले में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर महिलाओं को उनका हक दिलाया है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमन सिविल कोड ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखकर आज इतिहास बनाया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि ये महिलाओं को पहली बार उत्तराखंड में आजादी के बाद महिलाओं को अपना अधिकार मिला है। उन महिलाओं को, जिन महिलाओं की आवाज़ कहीं नहीं उठती थी, कोई नहीं सुनता था, एक समान नागरिकता कानून पर जिस तरीके से उन हमारी दो शादियों पर बैन लगा है, लगातार जो हमारी महिलाओं को तलाक होती थी, तलाक के लिए कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसके बाद एक समान कानून बनाया, उन महिलाओं के जिनका उत्पीड़न होता था, मुस्लिम समाज की महिलाओं को उनका अधिकार आज मिला है इस कानून से। इस कानून का पालन सही तरीके से होना चाहिए और इसका हम समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये कानून बहुत अच्छा लागू हुआ है। मैं मुख्यमंत्री श्री धामी जी का तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ कि हम जैसी पीड़ित महिलाओं के लिए इन्होंने नया कानून लागू किया है और बहुत अच्छा है। हम जैसे को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो कमजोर महिलाएं हैं। उन्होंने पहली शादी करी है, उसको तलाक दे दिया, मुझसे दूसरी करी है और मुझे छोड़ के भाग गया। उन्होंने शादी तीसरी शादी करी है, जो ये अपने साथ में रखे हुए हैं अब तीसरी बीवी, और मुझे नहीं समझ रहे बिल्कुल भी, मुझे छोड़कर चले गए हैं।